यहाँ दिया है सो दैट फंक्शन एफ सच दैट आर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर वन वन नॉट ऑन टू देखो दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हियर दिया है एफ
करना था। तो सबसे पहले यहाँ दिया था डिफाइंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब यहाँ ले लिया कि माइनस वन वन बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे माइनस वन रखा तो वैल्यू आई वन, और फिर वन रखा तो वैल्यू आई। अब यहाँ पे माइनस वन और वन टू इक्वल है नहीं, इसलिए वन इज नॉट वन वन। फिर उन्होंने बोला कि आपको वन टू प्रूव करना है, तो फार माइनस टू बिलोंग टू आर कर दिया कि यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई माइनस टू, भैया इज नॉट इक्वल टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट एफ सच दैट आर टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स इज वन वन ऑन टू फंक्शन। अब हमें ये प्रूव करना है कि यह जो है तो देखिए वही हियर दिया हुआ जो है एफ सच दैट आर आर इज डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स, ये दिया है। अब यहाँ लेट कर लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसको वो कर दिया, ठीक है, डी सच दैट such that f x equal f y, yes equal f y, या three दिया तो three x equal to three y, three x equal to three y, ठीक है, या x equal to y, ठीक है, तो f is one one, एफ इज वन वन। अब इसके बाद अगेन लेफ्ट वाई लेट फॉर वाई बिलोंग्स टू आर, वाई बिलोंग्स टू आर, तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए देयर या देन x इक्वल टू y अपॉन थ्री बिलोंग्स टू r, सच दैट एफ एक्स, अब यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा थ्री एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ वाई बाय थ्री इक्वल थ्री इंटू वाई अपॉन थ्री, थ्री से थ्री कैंसिल इक्वल टू y, ठीक है y, तब ये हो गया f is on two, ठीक है, तब f
is 1 1 and onto function 2 function. प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है सो दैट एफ जेड डैश जेड गिवन बाय द एफ एस equal to 1 cube x cube is 1 1 but not onto. So देखो here दिया है f पर दल z to z is defined by f equal to x cube. ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है. अब यहाँ पे y let x y belongs to z. अब b such that यस यस इक्वल हो जाएगा यस जेड यानी यह हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब, तो एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई यानी एफ इज 1 1, ये हो गया 1 1 है. अब यहाँ फिर अगेन टू के लिए लेट आर टू बिलोंग्स टू जेड, टू बिलोंग्स टू जेड. अब टू बिलोंग्स टू जेड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू जेड इन जेड जेड सच दैट दैट देखो एफ एक्स इक्वल टू यानी एक टू एक्स क्यूब इक्वल टू तो एफ इज नॉट ऑन टू, ये नॉट ऑन टू. फिर देखो so that question number 4 so that f belongs to R, R given by f equal ax plus b, a not equal to 0, ab belongs to R is 1 1 and onto. The whole यहाँ पे f belongs to R, R is defined
बाय इसका एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल ए बी, ए एक्स प्लस बी बी, ये डिफाइन करना। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सच दैट, सच दैट एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ वाई, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, या ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए वाई प्लस बी, ठीक है, ए एक्स इक्वल टू ए वाई या एक्स इक्वल टू वाई। अब ये हो गया एफ इज वन वन फंक्शन, अगेन वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स देन एक्स इक्वल वाई माइनस बी अपॉन ए, सच दैट एफ एक्स इक्वल एफ वाई माइनस बी अपॉन ए, वैल्यू रखा यहाँ पे ए, फिर वाई माइनस बी अपॉन ए प्लस में बी, ये जो है वैल्यू कहाँ रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई में, बी में। अब जब ये वैल्यू रखा तो यहाँ पे आपका आया इक्वल टू वाई, बी से भी कैंसिल हो जाए, इससे ही कैंसिल होगा, यानी इक्वल टू वाई आ गया। अब आपका हो गया एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये हुआ। इसमें हमें ये प्रूव करना था कि दोनों वन वन और ऑन टू, क्वेश्चन नंबर फाइव, शो दैट एफ गिवन बाय एफ एक्स वन प्लस आर नाइदर वन वन नॉट इज इन टू ऑन टू, फिर वही हियर एफ बिलोंग्स टू आर, आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये है क्वेश्चन। अब इसमें लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर, बी सच दैट, देखो एफ एक्स इक्वल एफ वाई, ठीक है। अब यहाँ हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल वन प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, ठीक है, या एक्स इक्वल प्लस माइनस वाई। अब आपका यस एफ इज नॉट वन आर वन वन, प्लस माइनस है, ठीक है, इसलिए जो है वन वन नहीं है। अब इसके बाद अगेन
let for minus 2 belongs to R. Belongs to R. There is no x belongs to R in R if x equal minus 2. यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 2 या एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस 3 आगे ये क्या हो गया या इज नॉट इन टू यहाँ लिख देंगे एफ इज नॉट इन टू इसमें यह था कि नॉट वन वन न या नाइदर वन वन नॉट अन टू सिक्स में देखो लिखा है वही एफ एक्स इक्वल माइनस साइन एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर नाइदर वन वन आर एंड टू फिर वही क्लियर एफ आर बिलोंग्स टू आर is defined by df f equal to minus sine x belongs to R. ये दिया अब लेट कर लो लेट x1 x2 belongs to R then f x1 equal to f x2 ठीक अभी हम माइनस साइन एक्स वन इक्वल माइनस साइन एक्स टू या साइन एक्स वन इक्वल साइन एक्स टू माइनस माइनस कट गया तो अब यहाँ हो गया सेंस एफ एक्स वन equal f x2 is possible only when x1 not equal to x2
fx is 1 1 is not 1 1 function. Yes. Here I show that f given x fx cube. So why here f belongs to R. R is defined by fx equal to x cube. Let xy belongs to R, then fx equal to fy. Yeah, x cube equal to y cube, yeah, x equal to y. Likho, which is not always true. X is not equal y. Let not equal to y. Yeah, x cube not equal to y cube. Fx is not equal to fy. Fx is 1 1 function, 1 1 function. ये था, यहाँ पे कुछ नहीं देखो लिखना है. और यहाँ ये तो हमें क्वेश्चन दिया रहा था, हमने ये क्वेश्चन आपको दिया है, जो भी ये क्वेश्चन है इसे लिख लेते हैं. फिर यहाँ लेट करते हैं. जैसे यहाँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तो यहाँ एक्स लिखोगे तो एफ एक्स, और ये वाई हो जाएगा एफ वाई. टी एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई. तो यहाँ क्यूब दिया है, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब. तो क्यूब रूट लोगे तो एक्स इक्वल टू वाई क्यूब. अब यह एक्स एक्स इक्वल टू वाई ये हर समय नहीं होता है, तो इस विच इज नॉट है ऑलवेज टू, ये हमेशा ये नहीं होता कि एक्स इक्वल टू वाई. अब यहाँ पे लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू वाई क्यूब. तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो क्या हो गया ये जो है वन. ये प्रूव करना था.